हेलो बच्चों, ये हमारा क्रेश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर है भाई। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, वहीं से अपना काम स्टार्ट करेंगे। समय बर्बाद ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, दो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बताए थे जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज की जो क्लास है हमारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हम उसे कहेंगे बच्चों क्योंकि आज की क्लास में एक तो हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आइसोबेरी क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, ग्राफ्स की पहचान हम किस तरीके से करेंगे, यानी कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट यकीन मानिए कि वो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी राइज होगा, यानी आप ये समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काफ़ी हद तक आप लोगों की कमांड बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना समय खराब करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज का जो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। स्टूडेंट जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, बहुत डिटेल्ड में हमें नहीं जाना है क्योंकि इसके अंदर से बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आता है नहीं। हम लोगों को छोटी मोटी बातें इसकी जान लेनी है, वो हम लोगों के लिए काफ़ी है। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो माने कांस्टेंट और बैरिक माने प्रेशर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। बच्चों ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। मैं आप लोगों को स्टूडेंट एक बात बता दूं कि जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है उस समय वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उस समय वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि आइसोबैरिक प्रोसेस की जो प्रोसेस इक्वेशन रहनी है वो रहनी है ये, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रोसेस इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास में रहने वाली है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो प्रोसेस का नाम बड़ा आसान है, प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है वो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा क्या कंडीशन हमारे पास में बन सकती है बच्चों? इसके अलावा कंडीशन हमारे पास में ये बनेगी, आइसोबैरिक प्रोसेस में यानी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो स्पेसिफिक हीट इतनी होगी बच्चों, जनरली स्पेसिफिक हीट सी होती है, लेकिन जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा सीपी। सीपी का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और बच्चों इसकी वैल्यू रहने वाली है, हम लोग कई बार इसकी बात कर चुके हैं तो बार बार इसकी बात करने की जरूरत है नहीं, F बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय R। नेक्स्ट कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास में क्या आती है, जरा आप देखिए भाई, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ये ग्राफ प्लॉट किया कुछ इस तरीके से, ऐसा ग्राफ आपके सामने आया, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है आपके सामने, ये लाइन प्रेशर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बना रही है ना 90 डिग्री का एंगल। तो एकदम से आप लोग कहेंगे कि भाई लाइन प्रेशर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, जिससे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कांस्टेंट है। आपने एकदम से कह दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, हम लोग यार इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिससे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर के कांस्टेंट होने की वजह से ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया है बच्चों। कैसा प्रोसेस हो गया है? आइसोबैरिक। लेकिन खाली आइसोबैरिक बताना ही मकसद नहीं है कि भाई हम खाली आइसोबैरिक बता दें तो हमारा काम हो गया, हमें इसकी पूरी की पूरी कंडीशंस को डिस्क्राइब करना है, हमें सारी चीज़ें इसके अंदर से बतानी है कि कौन कौन सी सिचुएशंस इसके अंदर आ सकती हैं।
तो बच्चों आप ये देखो कि एरो का जो साइन है, ये जो एरो का साइन आपको दिख रहा है, ये एरो का साइन बाहर की तरफ जा रहा है। एरो के साइन के बाहर की तरफ जाने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ रहा है स्टूडेंट, जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है माने कि गैस गर्म हो रही है, और गैस के गर्म होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी के बढ़ने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आने वाला है वो पॉजिटिव स्टूडेंट हमारा रहने वाला है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके बाद की कंडीशन अगर हम लोग देखें बच्चों, इसके बाद की कंडीशन, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ये बात हमारे हमें अरे तुम्हारे अंदर यार 4 दिन से क्या ठूस रहे हैं हम लोग, तुम लोगों के दिमाग के अंदर यही तो बात डाल रहे हैं हम लोग, क्या डाल रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो माने कि गैस एक्सपैंड होगी, गैस के एक्सपैंड होने का मतलब यह है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। भाई गैस अगर एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब है कि वर्क डन की वैल्यू स्टूडेंट कैसी है, पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वर्क पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर दोनों पॉजिटिव तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, सो हीट स्टूडेंट हमारे पास में निकल जाएगी पॉजिटिव। तो उम्मीद है कि आपको इस ग्राफ की कंडीशन से कुछ समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने इस ग्राफ से क्या क्या रिजल्ट निकाले, ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रेशर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है आइसोबैरिक प्रोसेस में बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। एरो के साइन को ध्यान से देखो, एरो का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बच्चों, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, और इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये जो आइसोबेरिक प्रोसेस है इसमें एक और कंडीशन आती है, चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस एक्सपैंड होगी, वर्क पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी पहले से पॉजिटिव है, दोनों का सम करेंगे हीट भी स्टूडेंट हमारे पास में पॉजिटिव आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास में आइसोबैरिक प्रोसेस की कंडीशन है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आई होगी बात, इसके अंदर बहुत डिटेल्ड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप सवाल बना लेंगे इसके ऊपर, बस आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी पता होनी ही चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है बच्चों, इसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। स्टूडेंट इसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है और आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस क्या होता है। क्यों भाई 2 दिन से तुम्हें यह बता रहे हैं कि आईसो का मतलब क्या है, तुम नहीं समझे अभी तक आईसो का मतलब क्या है। आईसो का मतलब है कांस्टेंट, क्या मतलब है कांस्टेंट। कोरिक या वॉल्यूमिक यानी वॉल्यूम, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम ही कांस्टेंट के बराबर रहेगा। बच्चों ये जो वॉल्यूम है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। अब मुझे आप एक बात बताओ बच्चों, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है,
तो इसका मतलब यह है कि ना तो गैस एक्सपैंड हो रही है ना गैस कंप्रेस्ड हो रही है। जब गैस का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो बिकॉज वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अरे भैया वर्क कब होता है यार, हमें आप ये बताओ वर्क होता कब है? वर्क तब होता है जब वॉल्यूम बढ़ता है या वॉल्यूम घटता है। जब वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है या वॉल्यूम घट ही नहीं रहा है तो कहां से वर्क होगा? बिल्कुल वर्क नहीं होगा, वर्क की वैल्यू जीरो के बराबर रहेगी। गॉट इट, समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो वर्क हमारा जीरो के बराबर रहना है स्टूडेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क हमारा स्टूडेंट जीरो रहने वाला है। अच्छा एक बात आप लोगों को और बता देते हैं, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक लॉ पढ़ा था स्टूडेंट, नाम था लुसक लॉ। वो ये कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक घर में यहां पर तीन ही भाई हैं ये लोग, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो लुसक लॉ ये कहेगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोसेस इक्वेशन हमारे पास में बन जाएगी प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बच्चों हमारे पास में प्रोसेस इक्वेशन बन जाएगी। तो पहली बात, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस वो है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। कौन सा लॉ इसके अंदर काम करेगा? लुसक लॉ इसके अंदर काम करेगा। प्रोसेस इक्वेशन क्या है? प्रोसेस इक्वेशन है प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वर्क कितना करना पड़ेगा? जीरो वर्क करना पड़ेगा। लास्ट में बच्चों हमारे पास में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। लेकिन भैया खाली स्पेसिफिक हीट से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस है। आइसो वॉल्यूमिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट भी हमारी ये होगी सी वी। सी यानी स्पेसिफिक हीट और वी यानी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों कंडीशन अपने पास में ये बन जाएगी एफ आर बाय टू, दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो इतनी स्पेसिफिक हीट होगी स्टूडेंट। ठीक है, समझ आई बात आप लोगों को? याद रखना है, भूलना है नहीं। हमने आपको दो प्रोसेस पढ़ाए, पिछले वाला हमने आपको पढ़ाया आइसोबैरिक प्रोसेस और ये आपके सामने है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर मैं एक ग्राफ आपके सामने बनाऊं तो आप ये देखो, यहां वॉल्यूम है यहां टेम्परेचर है। बच्चों मैंने ये ग्राफ बनाया, एरो का साइन मैंने बाहर की तरफ रखा। जो मैंने एरो का साइन रखा ना स्टूडेंट, वो मैंने बाहर की तरफ रखा। अब एरो का साइन बाहर रखने का मतलब क्या है आप जरा समझिएगा। अगर एरो का साइन बाहर की तरफ है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि जो ब्लू लाइन है ये वॉल्यूम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरो का साइन बाहर की तरफ है। एरो के साइन बाहर की तरफ होने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि डेल्टा यू हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव। हमें पता है कि वर्क हमेशा कितना होना है? जीरो। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वर्क हमारा जीरो रहेगा। तो थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा यू, डेल्टा क्यू सीधा हमारा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बात समझ में आएगी। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को इसलिए बताई जा रही हैं कि जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ऐसा ना हो कि भाई आप लोगों को लगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, इजी कंडीशन है, हो जाएंगी प्रॉब्लम। तो हमने दो प्रोसेस आपको बताया बच्चों, एक हमने आपको बताया आइसोबैरिक, एक हमने आपको बताया आइसोकोरिक। चलिए दोनों प्रोसेस की हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं ग्राफ की पहचान की। किस ग्राफ की पहचान हम कैसे करने वाले हैं? देखिए मैं आपको सिचुएशन देता हूं, एक सिचुएशन क्या है जरा समझिएगा। नोट पॉइंट बना देते हैं हम लोग, एक स्टूडेंट हम लोगों ने एक नोट पॉइंट बना दिया।
हम लोगों ने माना बच्चों y एक्सिस पर है प्रेशर, x एक्सिस पर है वॉल्यूम, ठीक है। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक लाइन ये है स्टूडेंट, और मान लेते हैं कि एक लाइन ये है अपने पास में। मैंने आपके पास में चार लाइनें प्लॉट कर दी हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इनके अंदर एरो का साइन लगा देते हैं। इसके अंदर एरो का साइन ऐसे है, इसके अंदर भी ऐसे है, इसके अंदर भी ऐसे है, इसके अंदर भी ऐसे है। एक, दो, तीन, चार। सबसे पहले तो इनकी पहचान करके ये बताते हैं कि कौन से प्रोसेस का क्या नाम है, ठीक है। बहुत आसान है यार, मुझे लगता है कि इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता है इसके अंदर। क्यों? देखो, एक वाला दिख रहा है, अगर इस एक वाले को मैं पीछे मिलाऊंगा स्टूडेंट, अगर इसे मैंने वन वाले को पीछे मिलाया ऐसे, तो ये वन वाला प्रेशर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो पहले वाली लाइन है, जब हमने इस पहले वाली लाइन को पीछे मिलाया, तो ये पहले वाली लाइन प्रेशर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और प्रेशर के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, और बच्चों प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। सीधा नंबर चार पे आओ बच्चों। अगर मैं नंबर चार को पीछे मिलाऊंगा, ये नंबर चार वाली ब्लैक लाइन जो दिख रही है, अगर मैंने इसे पीछे मिलाया तो ये वॉल्यूम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नंबर चार वाली जो लाइन है वो वॉल्यूम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब यह है कि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जस्ट अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में। नंबर एक आइसोबैरिक, नंबर दो आइसोकोरिक, हमारे पास में बच जाते हैं दो, नंबर दो और नंबर तीन। इनमें से एक तो है एडियाबेटिक और एक है आइसोथर्मल। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पहचान बड़ी मामूली सी है बच्चों। पहचान ये है, एडियाबेटिक प्रोसेस की जो स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, आइसोथर्मल की जो स्पीड है वो स्लो है। तो आप ये देखेंगे ढाल किसका ज़्यादा है, जो स्लोप है वो कौन से ग्राफ का ज़्यादा है, कौन से कर्व का स्लोप ज़्यादा है। मैं कहूँगा भैया थर्ड वाले का जो स्लोप है, थर्ड वाले का जो स्लोप है, अरे दिख रहा होगा यार स्लोप का मतलब ढाल है भाई, किसका ज्यादा है यार, तीसरे वाले का ढाल ज्यादा है दूसरे वाले का कम है। तो जिसका ढाल ज्यादा है वो बन गया एडियाबेटिक, और जिसका ढाल कम है वो बन गया आइसोथर्मल। पहचान ध्यान रखना भाई, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। इस वाले को पीछे मिलाया प्रेशर से 90 डिग्री का एंगल, सो दिस इज कॉल्ड आइसोबेरिक। चौथे वाले को पीछे मिलाया वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया आइसोकोरिक। नंबर दो और नंबर तीन बचे, इनमें ये आपको देखना है कि स्लोप किसका ज़्यादा है, नंबर तीन का स्लोप ज़्यादा है, नंबर दो का स्लोप कम है। तो नंबर तीन हो गया एडियाबेटिक और नंबर दो हो गया आइसोथर्मल। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, नो डाउन करिए यहाँ तक। तो स्टूडेंट हमने पता लगा लिया है कि कौन आइसोबैरिक है, कौन आइसोथर्मल है, कौन एडियाबेटिक है और कौन आइसोकोरिक है। अभी हमें इनके अंदर एक और बात का पता लगाना है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनता है तो लाइन के जो नीचे का एरिया होता है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, लाइन के जो नीचे का एरिया है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप ये देखो, इन चारों ग्राफ को देखकर ये बताओ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो ध्यान से, एरो का साइन ये वॉल्यूम बाहर जा रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है। एरो का साइन बाहर जा रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है। एरो का साइन बाहर जा रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है। इसमें तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता ही है, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका तो वर्क वैसे भी जीरो रहने वाला है। तो ये कहा जाता है बच्चों कि जब गैस एक्सपैंड होती है तब वर्क को पॉजिटिव लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव, यानी जब भी प्रेशर में और वॉल्यूम में ये एरो का साइन बाहर जाएगा। एरो के साइन के बाहर जाने का मतलब क्या है? एरो का साइन बाहर जा रहा है, यहां वॉल्यूम है,
एरो बाहर, यहाँ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, गैस एक्सपैंड हो रही है, वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं ये कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा एरिया आएगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा, वो इस वाली लाइन के नीचे आएगा। सबसे ज्यादा जो एरिया आने वाला है ना स्टूडेंट, वो इस लाइन के नीचे आने वाला है, फिर नंबर दो के नीचे, फिर नंबर तीन के नीचे, और इसके नीचे तो जीरो आने ही वाला है। तो हम कहेंगे आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, उसका उसके बाद नंबर आता है बच्चों आइसोथर्मल, उसके बाद नंबर आता है एडियाबैटिक, और फाइनली सबसे आखिर में आता है आइसोकोरिक, जिसमें जीरो वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन ये मत भूलिएगा, ये कहानी सिर्फ तब है जब गैस क्या होगी, एक्सपैंड, क्योंकि जब गैस एक्सपैंड होती है उस समय वर्क हम पॉजिटिव टेक करते हैं बच्चों, उस समय हम वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। देखो अब आगे बढ़ो, एक कहानी मैं और आप लोगों को बताता हूं, जरा समझिएगा आप लोग। जैसे कि आप ये देखिए, वाई एक्सिस पर है बच्चों हमारे पास में, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम, एक ग्राफ ये गया और एक ग्राफ ये गया। ठीक है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, इनिशियल पॉइंट का नाम है ए। पहचान कर लोगे भाई, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन होती और जिससे 90 डिग्री का एंगल बनाती, हम उसे कांस्टेंट मानकर आइसोबेरिक या आइसोकोरिक बोल देते, लेकिन यहां तो कर्व है दोनों के दोनों। तो प्रेशर और वॉल्यूम में जब आपको कर्व मिलेंगे तो इनकी पहचान आपको इनके स्लोप से करनी है, कहां से करनी है, स्लोप से, ढाल से करनी है। तो क्लियरली मुझे ये बताएं, मान लेते हैं कि ये नंबर एक है और ये नंबर दो है, स्लोप किसका ज्यादा है, कोई भी बता देगा यार, एक छोटा बालक भी बता देगा, सर पहले वाले ग्राफ का ढाल ज्यादा है, दूसरे वाले का ढाल कम है, यहां पर तेजी से नीचे आ रहा है, ढाल बहुत ज्यादा है, यहां ढाल कम है, यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हम कहेंगे स्टूडेंट, ये हो गया एडियाबैटिक और ये हो गया आइसोथर्मल, पहचान कर ली हमने। इसके बाद मुझे ये बताओ, गैस जो है, गैस वो एक्सपैंड कर रही है या कंप्रेस हो रही है? आप कहोगे कि सर एरो के साइन को देखो, आप ध्यान से, एरो का जो साइन है वो बाहर जा रहा है और वॉल्यूम इस तरफ है, तो इसका मतलब है कि गैस एक्सपैंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब यह है कि दोनों का वर्क पॉजिटिव है। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि किसके नीचे ज़्यादा एरिया आएगा और किसके नीचे कम एरिया आएगा। अब मैं ये कहूँगा कि यार इसे भी कोई भी बता देगा, जो दूसरे वाली लाइन है ना हमारी, ये वन है ये टू है, टू के नीचे ज़्यादा एरिया आएगा, वन के नीचे कम आएगा। तो हम कहेंगे वर्क इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क इन एडियाबैटिक, आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और एडियाबैटिक में कम वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई थी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो यहाँ से हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं बच्चों, मैंने हल्का सा बदलाव कर दिया है यार, बदलाव मैंने क्या किया जरा देखो, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, मैंने चेंजेस स्टूडेंट ये किए हैं, मैंने सिर्फ चेंजेस इतने किए हैं कि मैंने एरो का साइन इस बार अंदर की तरफ कर दिया है। एरो का साइन अंदर होने का मतलब यह है कि इस बार वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इस बार वॉल्यूम घट रहा है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज्ड होगा तो गैस कंप्रेस्ड होगी, और गैस अगर कंप्रेस्ड होगी तो वर्क नेगेटिव होगा, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्लियरली इतना तो पता है कि इसका भी वर्क नेगेटिव है, इसका भी वर्क नेगेटिव है। पहले पहचान करते हैं कि कौन से ग्राफ का नाम क्या है, किसका ढाल ज्यादा है, इसका ढाल ज्यादा है, तो भैया इसका नाम है एडियाबैटिक, इसका नाम है आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक है ये आइसोथर्मल है। अब बताओ कि किसके नीचे ज्यादा एरिया आएगा, आइसोथर्मल के नीचे एरिया ज्यादा आएगा, एडियाबैटिक के नीचे एरिया कम आएगा, तो
तो वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा होना चाहिए या एडियाबेटिक का? देखो मैंने पहली बात आपसे कही कि इस बार वॉल्यूम घट रहा है, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो इसका वर्क भी नेगेटिव, इसका वर्क भी नेगेटिव, इसके नीचे कम एरिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसके नीचे जो एरिया आया वो माइनस के 5 जूल के हिसाब से एनर्जी आ गई, इसके नीचे ज़्यादा आएगा माइनस के 10 जूल आया, वहाँ 10 यहाँ 5, लेकिन ध्यान रखो दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि गैस कंप्रेस्ड हो रही है, एक का माइनस के 5 जूल हो गया, एक का माइनस के 10 जूल हो गया। अब बताओ माइनस 5 जूल बड़ा है या माइनस के 10 जूल बड़ा है? आप कहोगे माइनस 5 बड़ा है, माइनस 10 छोटा है। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के केस में वर्क डन एडियाबेटिक का बच्चों ज्यादा होगा और आइसोथर्मल का कम होगा। क्यों भाई, समझ गए हो ना मैंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वर्क की वैल्यू तो आ गई भाई, इसमें 5 जूल आ गई, इसमें 10 जूल आ गई, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव इसलिए है, एरो का साइन अंदर की तरफ है, यानी वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो गैस कंप्रेस्ड होती है, तो दोनों का वर्क नेगेटिव है, एक माइनस के 5 जूल है, एक माइनस के 10 जूल है। तो बच्चों हम क्लियरली ये कहेंगे कि एडियाबेटिक में वर्क ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। ठीक है, ओके। सो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको एक और ग्राफ बताता हूं, इसकी पहचान हम लोग करेंगे कि कौन से ग्राफ का नाम क्या होगा। देखिए गौर करिए, यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है, और हम लोगों को 4 ग्राफ दिए हुए हैं। नहीं, प्रेशर वॉल्यूम तो हमने यार गलत बता दिया, इस बार बदलाव है थोड़ा सा स्टूडेंट, थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। देखिए यहां है वॉल्यूम, यहां है टेम्परेचर, 4 ग्राफ है स्टूडेंट हमारे पास में। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है। ये 4 ग्राफ है बच्चों हमारे पास में, ये 4 ग्राफ है। ग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहले जब आप 3 वाले को पीछे मिलाएंगे, किससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, इसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब खुद पहचान करके इसके नाम को आप निकालेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस होगा। अगर दूसरे वाले को मैं पीछे मिलाऊंगा, टेम्परेचर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसो और थर्मल, आइसो मतलब कांस्टेंट और थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बच्चों। अच्छा, एक हो गया हमारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक, एक हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट यानी आइसोथर्मल, दो बच रहे हैं, एक का नाम है एडियाबेटिक और एक का नाम है आइसोबेरिक। देखो बच्चों ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, कर्व ये हमेशा एडियाबेटिक रहेगा, एडियाबेटिक कर्व वाला हो गया एडियाबेटिक, चाहे कैसे भी कर्व बने वो एडियाबेटिक होगा, और नंबर 4 वाला स्टूडेंट हमारे पास में हो जाएगा आइसोबेरिक। ये हो गया है आइसोबेरिक, ये आइसोकोरिक, ये हो गया है आइसोथर्मल। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक ग्राफ दे रहा हूं, उसकी पहचान आप लोगों को खुद ब खुद करनी है कि भाई कौन सी कंडीशन क्या कहलाएगी। मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में बिल्कुल भी आप लोगों को, आपको अपने आप पहचान करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मुझे पहचान करके बताइएगा कि नंबर 1 का मतलब क्या है। नंबर 1 पीछे मिलाओ, देखो किससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कर्व वाला तो हमेशा आपका एडियाबेटिक होता है। नंबर 3 को पीछे मिलाओ, देखो किससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नंबर 4 जो बचेगा वो हमारा नंबर 4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बच्चों हम लोग ग्राफ की पहचान करने वाले हैं। तो अभी तक की क्लास में बच्चों हम लोगों ने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा, और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं आप लोग देखो बच्चों, वो 4 चीज़ें हैं हमारी आइसोथर्म, हम लोगों ने आज की क्लास में जो पढ़ा है वो 4 चीज़ें हैं, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ की पहचान करना सीखा है कि कौन सा ग्राफ कौन सा होगा, लाइन को पीछे मिलाना है वो जिससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वही क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और चारों के नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व में कैसे हम ग्राफ की पहचान करेंगे कि कौन सा प्रोसेस कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वर्क डन की वैल्यू कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। ठीक है,
तो बच्चों अभी हम लोगों ने जस्ट बात की थी प्रोसेस की, जिसमें हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े थे स्टूडेंट, एक का नाम था आइसोबैरिक और एक का नाम था आइसोकोरिक। और हम लोगों ने ग्राफ की पहचान की कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों इसके तुरंत बाद मैंने कुछ प्रॉब्लम्स सेलेक्ट की हैं जिनसे हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उनमें से एक प्रॉब्लम आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और उस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है अपने पास में, जरा ये देखते हैं। इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, बच्चों एक साइक्लिक प्रोसेस हमें दिया गया है ए से बी, बी से सी और सी से ए। फाइंड द नेट हीट गिवेन टू द सिस्टम टेक नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैसेस एन, नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैसेस एन। हीट बतानी है कितनी होगी स्टूडेंट, हीट। तो हीट अगर हमें बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप लोग ये देखिए कि यार हीट बताने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। साइक्लिक प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू इस पूरे प्रोसेस के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है वो जीरो के बराबर होता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में जो आने वाला चेंज है बच्चों वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया बच्चों वो जीरो के इक्वल है। हमें निकालना है अब वर्क डन, वर्क डन कितना होने वाला है। क्यों वर्क डन निकालना है, हालांकि क्वेश्चन में हमसे हीट के बारे में पूछा है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वो ये कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू जीरो के इक्वल है तो डेल्टा क्यू हो जाएगा जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी जो हीट की वैल्यू होगी वही वर्क डन की वैल्यू होगी स्टूडेंट। भाई पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो के इक्वल हो गया, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट की वैल्यू इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के सम के बराबर है। हमने आपसे कह दिया भाई, हमने आप लोगों से क्या कहा बच्चों, हमने आपसे कहा कि इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होने वाला है वो जीरो के इक्वल होगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये हो गया बच्चों डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, जो हमारी हीट की वैल्यू है वो सीधा वर्क डन के इक्वल है। हीट की वैल्यू सीधा वर्क डन के इक्वल है बच्चों, डेल्टा क्यू इज, यानी अगर हमें हीट निकालनी है तो पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, देखो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास में तीन पार्ट है, ए से बी, बी से सी और सी से ए। अच्छा अगर मैं ए से बी की बात करूं बच्चों, आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ए से बी की बात करूं तो मैं लिखूंगा वर्क डन इन ए बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों लिखा मैंने ऐसे, आप देखिए ये ए से लेकर बी तक का प्रोसेस है बच्चों अपने पास में, है ना, ए से बी तक का प्रोसेस। अगर इस ए बी वाले पोर्शन को मैं पीछे मिलाऊंगा, ये यहां मिलेगा, यानी वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है बच्चों तो इसका मतलब है कि वर्क की वैल्यू जीरो के इक्वल है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल है बच्चों। ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर वर्क की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या कंडीशन बनेगी, आप देखिए भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर वर्क की वैल्यू जीरो हो गई, इसीलिए मैंने लिख दिया डेल्टा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू जीरो। ए से लेकर बी वाले प्रोसेस में हमारे पास में वर्क हो गया जीरो के बराबर। अब आते हैं बच्चों हम बी से सी में, डेल्टा डब्ल्यू इन बी सी, बी सी वाली लाइन को अगर हम पीछे मिलाएं तो ये पीछे मिलाने पर टेम्परेचर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये तो हो गया आइसो वॉल्यूमिक, ये वाला प्रोसेस तो हो गया आइसो वॉल्यूमिक, इसीलिए मैंने कहा कि वर्क जीरो है। और बी से सी तक हो गया बच्चों हमारे पास में आइसो थर्मल, आइसो थर्मल हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि भाई इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वर्क निकालने का वो आइसो थर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए आइसो थर्मल वाला फॉर्मूला क्या होता है, आइसो थर्मल वाला फॉर्मूला होता है सबसे पहले आप देखो कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो एरो का साइन ऊपर की तरफ जा रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है,
और वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब है बच्चों गैस जो है ना वो एक्सपैंड हो रही है, गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है, यानी ये हो गया पॉजिटिव, हो गया पॉजिटिव। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एन, उसने हमें खुद कहा ध्यान से। गैस कांस्टेंट कितना है, आर, यहां भी टेम्परेचर 2T0, यहां भी टेम्परेचर 2T0, टेम्परेचर हो गया 2T0। लॉग, ध्यान से, लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यहां का वॉल्यूम देखिए कितना है 2V0, यहां का वॉल्यूम कितना है V0, 2V0 को V0 से डिवाइड करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 2। इतना वर्क डन होगा बच्चों बीसी वाले प्रोसेस में, वर्क इन बीसी इज इक्वल टू प्लस एन आर 2T0 लॉग 2। कुल मिलाकर इतना वर्क स्टूडेंट हम लोगों को करना पड़ेगा बीसी वाले प्रोसेस में, इतना वर्क हम लोग करेंगे। ए से बी में जो वर्क हुआ वो जीरो हुआ, बी से सी में जो वर्क हुआ स्टूडेंट वो इतना हुआ। अब देखते हैं कि सी से ए में कितना वर्क होगा, सी से ए में गौर से जरा मैं यहां लिख देता हूं, वर्क इन सी ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ध्यान दो एरो का साइन नीचे आ रहा है, एरो के साइन नीचे आने का मतलब यह है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है बच्चों, वॉल्यूम घट रहा है। अगर एरो का साइन स्टूडेंट नीचे आ रहा है ना तो इसका सीधा सा मतलब है कि वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम घटने का मतलब यह है बच्चों, वॉल्यूम घटने का मतलब यह है कि गैस कंप्रेस्ड हो रही है, और जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो वर्क हो जाएगा हमारा नेगेटिव, स्टूडेंट वर्क हो गया है हमारा नेगेटिव। इस वाले का वर्क जीरो क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, बी से लेकर सी तक आइसोथर्मल था क्योंकि ये वाली लाइन टेम्परेचर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसीलिए हमने आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगाया, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एन आर टी लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट हम सी से लेकर ए में, आप सी ए वाले को देखो, सी ए वाले को वॉल्यूम घट रहा है इसीलिए मैंने नेगेटिव लगाया। फॉर्मूला होगा बच्चों सीए में एन आर, वर्क निकालने का फॉर्मूला, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर हम सी से लेकर ए तक पहुंचे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर गौर से बिल्कुल बच्चों, भाई बच्चों कॉमन सी बात आप सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, इस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है बच्चों, वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि गैस के अंदर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन, गैस हमारी कंप्रेस्ड कर रही है, और गैस अगर स्टूडेंट हम लोगों की कंप्रेस्ड कर रही है तो इसका मतलब है कि वर्क हमारा कैसा होगा, वर्क हमारा नेगेटिव होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं कि उस नेगेटिव वर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये हम लोगों को देखना है। फिर हम लोग यहाँ भी वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, जीरो है, यहाँ का वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया ये है, यहाँ का वर्क हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों और तीनों को ऐड करेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा, और वही टोटल वर्क हमारा किसके इक्वल होने वाला है स्टूडेंट, वही टोटल वर्क हमारा बराबर होने वाला है। ये मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वैसे तो नेगेटिव ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है, यहाँ 2T0 है, यहाँ T0 है, डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट T0। यहाँ का वर्क जीरो, यहाँ का वर्क इतना है, यहाँ का वर्क इतना है, तीनों को ऐड करूँगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू जीरो प्लस 2NRT0 log 2 माइनस NRT0, और यही बच्चों हमारी हीट की वैल्यू होने वाली है। सो स्टूडेंट कुल मिलाकर इतनी हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ये हमारे पास में हीट का फॉर्मूला रहने वाला है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ए बी वाला प्रोसेस आइसो वॉल्यूमिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसीलिए वर्क जीरो। ये आइसो थर्मल है, पता लगा लिया हमने कि भाई आइसो थर्मल है क्योंकि टेम्परेचर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसीलिए आइसो थर्मल वाला फॉर्मूला। और ये हम लोगों का कोई रैंडम सी कंडीशन है तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है एन आर डेल्टा टी, माइनस का साइन स्टूडेंट मैंने इससे लगाया है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, एन यानी नंबर ऑफ मोल, आर यानी गैस कांस्टेंट, और डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर का डिफरेंस। देखो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ कितना है 2T0, यहाँ कितना है T0, ठीक है।
तो यहाँ 2T0 और यहाँ T0 टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया T0, ये हो गया हमारा सी ए का वर्क, तीनों को ऐड किया इतना आ गया, और यही हमारी हीट की वैल्यू स्टूडेंट होने वाली है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई हमारे थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। तो बच्चों जस्ट अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम करी, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में वो ये है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा समझते हैं। एज शो इन द फिगर थ्री पाथ थ्रू विच अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम द स्टेट ए टू बी, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच ऑफ थ्री पाथ। आपको हर एक पाथ के अंदर वर्क डन बताना है कितना होगा। बच्चों मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, उसे फॉलो करके चलना है आप लोगों को। आसान तरीका यह है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम में आपको वर्क निकालना है तो आपको लाइन के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा जो वॉल्यूम के साथ टच में है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए क्या है, मतलब यहां हम लोग अगर बात करें, देखो तीन पाथ है हमारे पास में। पहला है स्टूडेंट हमारे पास में ए से डी और डी से बी, ए से डी और डी से बी। तो मैंने लिखा वर्क इन ए डी बी, मैंने बच्चों दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया इसे, मैंने स्टूडेंट इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, डी डब्ल्यू ए बी, डी डब्ल्यू तो बच्चों जस्ट अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम की बात की, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के अंदर हम लोगों से ये पूछा है कि ए से लेकर बी तक तीन रास्ते जाते हैं। एक जाता है ए डी बी, दूसरा जाता है ए से लेकर बी, तीसरा जाता है ए से लेकर सी और सी से लेकर बी। आपको तीनों में वर्क डन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। मैं आपको एक जनरल तरीका सिखाता हूं, फिर क्वेश्चन आप लोग अपने आप बनाइएगा। मैं इनमें से एक आप लोगों को बता दूंगा या दो बता देंगे, बाकी एक आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर हमसे पूछा है कि वर्क बताइए कितना होगा ए डी बी में, ए से डी, डी से बी, ए डी बी में कितना वर्क होगा, ये हमसे स्टूडेंट पूछा है। तो हमने एक काम किया बच्चों, हमने वर्क को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ए से डी प्लस वर्क डी से बी। हमने वर्क को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ए से लेकर डी तक, फिर डी से लेकर बी तक। ठीक है, देखिए इसके बाद की कंडीशन क्या है स्टूडेंट, ए से लेकर डी, डी से लेकर बी। भाई डी बी में जो वर्क होगा वो तो जीरो होगा, क्यों होगा जीरो। अगर मैं DB को पीछे मिलाता हूं तो DB वाली लाइन वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। DB में वॉल्यूम कांस्टेंट है और ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि गैस के अंदर ना तो कंप्रेशन है और ना एक्सपेंशन है। जब वॉल्यूम ना तो बढ़े और ना वॉल्यूम घटे, उस कंडीशन में स्टूडेंट वर्क डन की वैल्यू डीबी में हो जाएगी जीरो। ओके, मैंने डीबी का वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में, डी से लेकर बी तक आइसोकोरिक प्रोसेस है, मैंने उसका वर्क डन बच्चों लिख दिया है जीरो। अब हम लोग आते हैं बच्चों ए से लेकर डी तक। अगर ए से लेकर डी तक की हम बात करें तो हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे ये वाला एरिया कैलकुलेट, आप देखिएगा कैसे करेंगे ये वाला एरिया कैलकुलेट। एक साइड ये है और एक ये है, एक साइड ये होने वाली है और एक ये होने वाली है। मैंने कहा था लाइन के नीचे का एरिया निकालना है जो वॉल्यूम के साथ टच में हो बच्चों। तो ए से लेकर डी तक की लाइन ये है, इसके नीचे का एरिया ये है, वॉल्यूम के साथ टच में है, ये निकालना है बच्चों। एक रेक्टेंगल की तरह बन गया स्टूडेंट ये वाली साइड देखते हैं कितनी हो जाएगी। ये जीरो है, ये टेन है, तो ये हो गया बच्चों टेन इंटू टेन की पावर थ्री। अब देखते हैं कि ये वाली साइड कितनी होगी, ये 25 है और ये 10 है, 25 में से 10 को माइनस करेंगे यह आएगा 15 सी सी, यानी 10 की पावर माइनस सिक्स।
तो बच्चों ये वाली साइड हो गई है इतनी और ये वाली साइड हो गई है इतनी, तो एडी में कितना वर्क करना पड़ेगा देखते हैं। देखो एरो का साइन ऊपर जा रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है यानी एक्सपेंशन होता है, वर्क होगा पॉजिटिव। एक साइड हमारे पास में है 10 × 10⁻³ और दूसरी है स्टूडेंट 15 × 10⁻⁶। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा बच्चों अगर आप ए से लेकर डी और डी से लेकर बी जाते हैं तो। ए से लेकर डी लाइन के नीचे का एरिया निकाल दिया और उसे पॉजिटिव ले लिया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और डी से लेकर बी आइसोकोरिक प्रोसेस है इसीलिए वर्क हो गया बच्चों जीरो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट है क्या, मैं इसी के अंदर बात करता हूं बच्चों। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है देखो, मान लीजिए कि इस बार हम लोग ए से लेकर सी तक जाते हैं और फिर सी से लेकर बी तक जाते हैं। भाई एक रास्ता तो ये था ए से डी और डी से बी, एक रास्ता ये है ए से सी और सी से बी। हमें देखना है बच्चों वर्क डन ए सी बी में कितना करना पड़ेगा। ए सी बच्चों ये सी है स्टूडेंट, ए सी बी में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा ये हमें देखना है ए सी बी में। तो हमने ए सी बी को बच्चों दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, ए से सी वर्क डन, सी से बी, ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक वर्क को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब पहले आप ए सी को देखो, अगर मैं ए सी वाली लाइन को पीछे मिलाता हूं बच्चों तो बताओ वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। इसीलिए हम कहेंगे कि ए सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और बच्चों अगर ए सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना स्टूडेंट, ए सी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ए सी में जीरो वर्क करना पड़ेगा। ए सी का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जीरो वर्क करना पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग सी बी में, सी से लेकर बी तक स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं सी बी में और देखते हैं कि सी बी में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में बच्चों हमें ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा हमें, सी बी के नीचे का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा यहां तक, सी बी के नीचे का पूरा एरिया स्टूडेंट हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा। ये पूरा एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा जो वॉल्यूम के साथ टच में है। तो देखो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये जीरो है वो 30 है, तो ये हो गया 30 × 10³। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये 25 है ये 10 है, माइनस करेंगे 15 × 10⁻⁶। सी सी यानी सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। तो एक साइड यह है और एक साइड यह है, एरो का साइन ऊपर है यानी एक्सपेंशन हो रहा है तो इसीलिए पॉजिटिव आएगा। एक साइड है बच्चों 30 × 10³ और एक है 15 × 10⁻⁶। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकल जाएगा जूल में। ए सी बी में, ए सी बी में इतना वर्क करना पड़ेगा। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब आते हैं बच्चों हम लोग इसके नेक्स्ट कंडीशन के अंदर। देखो अगली सिचुएशन क्या है, इस बार जो हमारा ग्राफ जाता है वो सीधा ए से बी जाता है, एरो का साइन ऊपर है, इधर वॉल्यूम है, एरो का साइन ऐसे है बच्चों ऐसे, इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपको एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो ग्राफ हमारा यहां से ऐसे जाता है तो लाइन के नीचे का एरिया जो वॉल्यूम के साथ टच में हो, अब तुम निकालो यार, मैं नहीं निकालूंगा, कुछ भी करके निकालो, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ट्रेपेजियम भी आप इसे कह सकते हो, या तुम एक काम कर लो यहां तक रेक्टेंगल मान लो, इसे ट्राइंगल मान लो, दोनों का एरिया सम कर देना, ऐसे भी आप कर सकते हो, एरिया कैलकुलेट कर देना, वर्क डन की वैल्यू निकल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग स्टूडेंट वर्क डन निकालने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों अपने पास में, इन द गिवन फिगर एन आइडियल गैस
चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी बाय टू पाथ ए बी सी एंड ए सी। भाई ऐसा है, हम ए से सी तक दो रास्तों से जाते हैं। पहले जाते हैं ए से बी तक, फिर जाते हैं बी से सी तक, और दूसरा रास्ता अपने पास में सीधा स्टूडेंट ये है, ए से सी तक दूसरा रास्ता अपने पास में सीधा ये है, ए से बी, बी से सी और सीधा ए से सी। दो साइक्लिक प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, ए से सी और ए से सी वाया बी और सीधा फिर ए से सी, ठीक है, ये कंडीशन है अपने पास में। उसने पूछा फाइंड द पाथ अलोंग विच, यानी भाई हमारे पास में दो रास्ते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, आपको बताना है कि वर्क किस में ज्यादा करना पड़ेगा। बहुत ही आसान यार, जिसके नीचे ज्यादा एरिया आएगा, जिसके नीचे ज्यादा एरिया आएगा लाइन के नीचे और वॉल्यूम वाली लाइन से ऊपर, जितना ज्यादा एरिया आएगा उसमें उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि किसके नीचे ज्यादा एरिया आने वाला है। देखो मैं मार्क करता हूं स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं इस कंडीशन की, ए बी सी की बात करता हूं, वर्क डन ए बी सी, इसमें इतना एरिया आने वाला है, ये आने वाला है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ए बी सी इसके नीचे ये पूरा एरिया आने वाला है जो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा दूसरे वाले में आते हैं, दूसरे वाला बच्चों हमारा ये है ए से सी, इसके नीचे सिर्फ इतना एरिया आने वाला है, सिर्फ इतना एरिया आने वाला है वर्क इन ए सी। अब एक रेड वाला है और एक पिंक वाला है, ध्यान से देखिए आप और देखिए कि किस में ज्यादा एरिया आएगा। भाई मैं कहूंगा कि दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दोनों का वर्क पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि किसके अंदर ज्यादा एरिया है और किसके अंदर कम एरिया है। अगर कंप्रेशन होता, एरो का साइन उल्टा होता, वॉल्यूम कम हो रहा होता, फिर आपको यह देखना होता है कि किसका एरिया कम है, जिसका एरिया कम होगा उसका वर्क ज्यादा होगा, अगर कंप्रेशन होगा तो। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसी का वर्क ज्यादा है। तो बच्चों पहला आंसर अपने पास में हो जाएगा वर्क इन ए बी सी इज ग्रेटर देन वर्क इन ए सी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है, वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। अगर एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में लाइन के नीचे और वॉल्यूम वाले एक्सिस के ऊपर जितना ज्यादा एरिया होगा वर्क उतना ज्यादा होगा, कम एरिया होगा वर्क कम होगा, और अगर कंप्रेशन होगा तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव हो जाता है, और आप जानते हैं कि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसे उतना छोटा समझा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या है अपने पास में, यहां से दूसरा पॉइंट क्या है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 10 जूल एंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट टू सी थ्रू द पाथ ए सी इज 200 जूल, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी एट सी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या दे रखा है। बच्चों हमें ये कहा कि ए वाले पॉइंट पर जो इंटरनल एनर्जी है वो 10 जूल है, सी वाले पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। अगर एसी में इतनी जूल की एनर्जी दी जाती है तो, अगर एसी में हम 200 जूल की एनर्जी देते हैं, ए से सी तक जाने में 200 जूल की एनर्जी देते हैं, तो आपको ये बताना है कि सी वाले पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी। मैं आपको तरीका बताता हूं बच्चों क्या करना है। देखो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है अपने पास में वो ये है, डेल्टा क्यू इन ए सी इज इक्वल टू वर्क डन इन ए सी प्लस डेल्टा यू इन ए सी। उसके बाद डेल्टा क्यू इन ए सी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इन ए सी, इंटरनल एनर्जी ए और सी के बीच में,
तो डेल्टा यू ए सी को हम लिख सकते हैं यू सी माइनस यू ए, यू सी माइनस यू ए। अब देखिए कि क्या क्या गिवन है हमारे पास में बच्चों। भाई सीधा हीट हमें दे रखी है 200 जूल गिवन है आपके सामने है। अगर किसी तरीके से वर्क हमें मिल जाए, हीट हमें दे रखी है, वर्क हमें मिल जाए, ए बी यू ए बी हमें दे रखा है, तो बड़े आराम से यू सी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इतना सब जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। क्या क्या हमें दे रखा है मैंने यहां पर लिख दिया, यू सी हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि वर्क निकालते हैं, ए से लेकर सी में हम लोगों के पास में कितना वर्क होगा स्टूडेंट, पहले वर्क निकालते हैं हम लोग कितना होगा। यानी वर्क निकालने का मतलब है कि ए सी के नीचे नीचे का एरिया निकालना है आपको। बताया मैंने आपको लाइन के नीचे का जितना एरिया होता है पीवी ग्राफ में वही आपका वर्क होता है। निकाल दीजिए जरा कितना होगा, मैं सीधा निकाल देता हूं बच्चों। वर्क होगा हाफ ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, और इनके बीच का गैप हो जाएगा ये स्टूडेंट, इनके बीच का जो गैप होगा वो ये वाला होगा, ये इनका बीच का गैप होगा। ये वाली साइड 5, ये वाली साइड 15, ठीक है, ये वाली साइड 5, ये वाली साइड 15, और इनके बीच का गैप होना है 4। तो बच्चों वर्क निकल कर आएगा 40 जूल, वर्क निकल गया 40 जूल। अब आंसर आप अपने आप निकालेंगे, मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं। वर्क हो जाएगा 40 जूल, यूसी आपको निकालना है, यूए आपको दे रखा है 10 जूल। बच्चों यूसी हमारे पास में आ जाएगा 170 जूल अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट हमें प्रॉब्लम को बनाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। अच्छा सवाल है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रॉब्लम अच्छी है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट क्या है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट स्टेट बी इज 20 जूल। यहां जो इंटरनल एनर्जी है वो 20 जूल है, यहां इंटरनल एनर्जी 10 जूल है, पहले ही हमें दे रखा है। तो ए बी में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये फाइनल है ये इनिशियल है, ये आ गया 10 जूल, ठीक है। अच्छा देखो ये जो ए बी वाला है ये प्रोसेस कौन सा है, आप ये देखो कि ये प्रोसेस कौन सा है। अगर मैं ए बी को पीछे मिलाता हूं तो वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट कहां होता है, जहां आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ए बी का वर्क जीरो है, ए बी में कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि ए बी का वॉल्यूम कांस्टेंट है। आप समझ रहे हो ना कि वॉल्यूम कहां कांस्टेंट होता है, जहां वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल बनता है। सिर्फ पहचान का एक बेसिक सा तरीका है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैसे भी पहचान कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी इतनी, वर्क इतना, हीट जो होती है वो इन दोनों के सम के बराबर होती है। तो आंसर आ गया है ए बी वाले प्रोसेस में 10 जूल की हीट लगेगी। बच्चों ए बी वाले प्रोसेस में 10 जूल की हीट लगने वाली है स्टूडेंट, ठीक है। तो बच्चों कोशिश करेंगे कि कल हमारी थर्मोडायनामिक्स की लास्ट क्लास हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता पाऊं कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक दिन हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने भी इस पूरी यूनिट के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो पीछे का हम लोगों ने पढ़ लिया है उसकी भी प्रॉब्लम बन जाएंगी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग मेहनत से काम करते रहें, लिंक में आपको डीपीपी मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें डीपीपी आपको मिल जाएगी। डीपीपी पर क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें और प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करें।